सर आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, आज अवार्ड शो हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके का अवार्ड शो है और ये इतनी बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त की है और उसके बाद सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आपका सहयोग बहुत बड़ा इस अवार्ड फंक्शन के लिए रौनक ला सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो फाउंडेशन है इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन, जो कि 195 कंट्रीज़ में काम करती है, और इस फाउंडेशन का मिशन है कि हर बच्चे को सेटेलाइट और स्पेस एजुकेशन के बारे में, रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, और हम उस पर काफ़ी दिनों से काम करें और पिछले करीब 11 ईयर्स से हम इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों में हमने भारत के 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरेटरीज़ में हमने स्पेस प्रोग्राम किया और 1.5 लाख बच्चों को सैटेलाइट और स्पेस एजुकेशन के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ट्रेनिंग दी। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं जो IIT, ISRO, DRDO से आते हैं और काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस के क्षेत्र में काम करती है वहाँ से आते हैं। इन सभी जो हमने जो काम किया उसके पीछे हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, हमारे जो प्रधानाध्यापक थे, क्योंकि हम भाई बच्चे कहाँ से मिलेंगे सबसे बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज को मिसाद देने के लिए हमारे प्रधानाध्यापकों ने जो 2800 राज्य से और 9 यूनियन टेरेटरी से हमें बहुत साथ दिया, और उसकी वजह से हम इस मिशन को काफ़ी अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि इन सभी प्रधानाध्यापकों ने जो हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 75 ईयर में आज़ादी के अमृत काल में हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसी चीज़ को IIDYM ने अपने साथ लिया और हमने स्टार्ट किया 75 प्रिंसिपल, 75 अवार्डीज और 75 ईयर्स। 75 साल में हम हैं, 75 प्रिंसिपल्स हैं और 75 अवार्डीज हैं, लेकिन क्योंकि ये अवार्ड जो है कलाम सर के नाम से है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षा सर्वोच्च सम्मान, भारतीय शिक्षा पद्मभूषण सम्मान, नेशनल चिल्ड्रेन एक्सेलेंस अवार्ड जो कि छोटे बच्चों के लिए है, और इस अवार्ड फंक्शन में 205 लोगों को भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं, और साथ ही साथ दुनिया के देश के भी हमारे पास इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि देखो, आप ज़िंदगी में कुछ भी करो सबसे पहले देश होता है, इसलिए हमेशा दिमाग में रखो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यस, IIDYM फाउंडेशन जो है अभी जो है सैटेलाइट एजुकेशन पर काम करती है। सैटेलाइट एजुकेशन में क्या होता है कि हम बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था बचपन में तो मेरे जो गुरु थे वो बोलते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, वो बोलते थे बेटा अच्छे काम करोगे तो NASA में जाओगे, लेकिन मेरे मन में एक हमेशा बात चलती रहती थी कि हमारा ISRO जो इतना अच्छा काम करता है हमारे देश के लिए, उसका नाम लोग क्यों नहीं ले रहे। तो वो एक वजह थी इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन को स्टार्ट करना। हम क्या करते हैं कि बच्चों को पहले जो पहली ट्रेनिंग में उनको बेसिक आइडिया देते हैं कि सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट कैसे बिल्ड होती है और सैटेलाइट कैसे काम करती है। उसके बाद जो उनका जो सेकेंड सेशन होता है उसमें हम बच्चों को ये बताते हैं कि सैटेलाइट को बिल्ड कैसे करना, और उसमें तीन से एक हफ्ते का वर्कशॉप होता है, 3 दिन से 1 हफ्ते का, जिसमें बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चे खुद की एक फेमटो सैटेलाइट बनाते हैं। अभी आपको मैं बहुत खुशी के साथ ये जानकारी देना चाहूँगा कि इन सभी कार्यों के कारण भारत सरकार ने तो हमें मान्यता दी ही है, UNO ने तो हमें रिकॉग्नाइज किया ही है, साथ ही साथ ISRO जो कि इंडिया की सबसे पावरफुल एजेंसी है, जो कि वर्ल्ड की भी बहुत ही पावरफुल एजेंसी है, उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है, एंड नाउ वी आर रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो IIDYM वही कर रही है जो हर एक भारतवासी को करना चाहिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस मिशन पर काम कर रही है। 70 कंट्रीज में हमने फ्री में स्पेस प्रोग्राम चलाए हैं बच्चों के लिए, और आने वाले समय में 195 कंट्रीज में चलने वाली है आप सभी के सहयोग से। देखिए सर, जनरली क्या होता है कि बच्चे फोर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं 5वीं क्लास से, तो 5th क्लास से क्या होता है कि बच्चों को ये पता चलता है कि भाई स्पेस के बारे में हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं सैटेलाइट को बिल्ड करने में। तो उसमें क्या होता है कि 5th क्लास के बाद हमें फोर्स के बारे में पढ़ना होता है, प्रेशर्स के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि जब हम एटमोसफेयर में सैटेलाइट को भेजते हैं तो सैटेलाइट करती क्या है, सैटेलाइट क्या करती है कि जो फेमटो सैटेलाइट जो बच्चे बिल्ड करते हैं वो क्या करती है कि एटमोसफेयर में जाके टेम्परेचर प्रेशर्स को डिटेक्ट करती है कि अभी का टेम्परेचर क्या और प्रेशर क्या है।
तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए आपको पहले प्रेशर की जानकारी होनी चाहिए, आपको फोर्स की जानकारी होनी चाहिए, और इस वजह से ही हम वो चीज़ को कर पाते हैं। तो फिफ्थ क्लास ऑनवर्ड्स के बच्चे इस सेटेलाइट प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और वो खुद की सेटेलाइट 3 दिनों के अंदर IDYM की मदद से बना सकते हैं। यस, हमारा अगला मिशन है, हमारा बिहार में एक स्पेस स्कूल बनने जा रहा है और हमने छत्तीसगढ़ में एक स्पेस लैब भी बनाया है। रत्नेश जी हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं और मालवी जी मेरी बहुत ही प्रिय दोस्त हैं और काफ़ी सारे मेरे दोस्त सब मिलकर के हमने छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी एक लैब चला रहे हैं और साथ ही साथ पटना में हमारी एक स्कूल आ रही है, स्पेस स्कूल, जिसमें गरीब बच्चों को फ्री में स्पेस एजुकेशन मिलेगी। आपने देखा होगा स्कूल जहाँ पर फिजिक्स की पढ़ाई होती है, केमिस्ट्री की पढ़ाई होती है, मैथ की पढ़ाई होती है, पर आपने ऐसा स्कूल अब इंडिया में आने वाला है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि सैटेलाइट क्या है, रॉकेट क्या है और कैसे काम करती है। ये अवार्ड जो फंक्शन है इसमें सभी प्रिंसिपल्स को बुलाया गया है और प्रिंसिपल्स आप जानते हैं कि नेशन बिल्डर्स है, बिना प्रिंसिपल की वजह से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस अवार्ड फंक्शन में सभी प्रिंसिपल्स को बुलाया गया है, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रिंसिपल आए हुए हैं, 205 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा जिसमें 34 स्कूली बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं उनको भी दिया जाएगा। यस, मैं बस सभी लोगों से ही अपील करूंगा कि आप क्या करो, हफ्ते में अपने को 7 दिन मिलता है, दिन में 24 घंटे मिलते हैं, सब लोग मिलकर देश के लिए काम करो, क्योंकि देश बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे। तो मैं सभी भारतवासियों से और जो भारत के बाहर हमारे जो इंडियंस हैं सभी से मैं आह्वान करता हूं कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कंट्री कम फर्स्ट, नेशन कम फर्स्ट, इफ़ नेशन विल ग्रो वी विल ग्रो, विदाउट नेशन वी कांट ग्रो। तो सबको 5 मिनट कम से कम अपने देश के लिए योगदान देना चाहिए और जो आप पैसे कमाते हो, जो आप पैसे अर्न कर रहे हो, उसमें से कुछ पैसे को कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करो, क्योंकि जब देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, देश का विकास अच्छा होगा, हमारे बच्चों का विकास अच्छा होगा, तो डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू अचीव अ लॉट, क्योंकि हमें आने वाले समय में वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बननी है और ऑलरेडी हम सुपर पावर हैं और सुपर पावर तभी हम बन सकते हैं जब हमारे बच्चे खुद की सैटेलाइट और रॉकेट बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जोर से बोलिए थोड़ा फिर से। आज अवार्ड शो में आप आए हैं, हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस अवार्ड शो में और किन चीज़ के लिए आपको अवार्डेड किया गया? ये देखिए IDYM की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है ये अवार्ड शो और मैं यहाँ पे बहुत ही अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि एज ए चीफ गेस्ट आया हूँ और यहाँ पे जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने कि देश के लिए काम किया है उनके लिए जो अवार्ड शो किया जा रहा है, बिकॉज ये लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और ये अभी ये पहली शुरुआत है अवार्ड शो की और ये जो अवार्ड शो में जितने भी प्रिंसिपल प्रेरित हो रहे हैं IDYM के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि IDYM का प्लेटफॉर्म 195 कंट्रीज़ में है और यहाँ पे टोटल जितने भी जो हैं प्रिंसिपल्स और एजुकेटर्स सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात है और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज 200 लोग जो है 200 प्रिंसिपल एक जगह कम पड़ जा रही है यहाँ पे आकर के हम ये अवार्ड शो का वो कर रहे हैं और ये इसमें एक स्वागत वाली भी बात है, देश के गर्व की बात है, क्योंकि हम बात करते हैं IDYM से नेशन फर्स्ट, जो प्रधानमंत्री साहब हमारी बात करते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाना है उस पर ये काम हो रहा है। थैंक यू। Sumaya Reshma, and huge happy because I am honored with this Dr. Abdul Kalam Bharatiya Shiksha Padma Bhushan Puraskar 2023. On social responsibility and humanitarian work, and I am so happy because I am surrounded with so many intellectual and visionary people. Education is something we can afford, at least for the poor kids, because poverty is cannot deprive from their education. Education is not just supporting in life. It is something which we can, it's our cheapest defense our country can have. As Ravi says, nation first. I'm thankful to IDYM and thank you so much. This is increasing my responsibility more.
IDYM को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें इस अवार्ड से नवाजा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे परिवार की शुरुआत जो है माँ बाप से होती है, माँ बाप का रिश्ता बहुत गहरा असर डालता है किसी बच्चे की जिंदगी में। तो अगर माँ बाप का रिलेशन बहुत अच्छा है तो वो अपने बच्चे के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत करने के लिए आपको किसी मेंटल हेल्थ या कोच या किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर अपना रिलेशनशिप बेहतर करना होगा। प्लीज डू और हम जैसे कोच या कंसल्टेंट आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे मैम आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यस थैंक यू। हाय आई एम एलिसा मेंडेज फ्रॉम मेक्सिको एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी टुडे विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड कम टू शेयर ऑन दिस प्रोजेक्ट। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वी कंटिन्यू वर्किंग फॉर ऑल द न्यू जनरेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड फॉर द एजुकेशन। थैंक यू फॉर दिस एंड थैंक यू फॉर। थैंक यू। हाँ बोलिए, कैसा लगा आपको सम्मान अवार्ड से, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? I feel greatly proud to receive this Bharatiya Shiksha Padma Bhushan Award. On behalf of Oakley International School, as a principal of that school, I'm here to say that a big thank you to IDYM.